फ्रेंड्स, मैं हूँ आन्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं क्रेजी आन्या। तो फ्रेंड्स, आज मैं एकदम अलग सी जगह पे आई हूँ। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। आज मम्मा और परिधि दीदी और मैं और आदि आए हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। तो अभी मैं तो बच्ची हूँ तो मैं तो नहीं करूँगी, बस मम्मा और परिधि दीदी करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को एक सर मिले हैं जिन्होंने 360 टाइम्स ब्लड डोनेट किया। तो चलो उनसे बात करते हैं। Myself, डेविड मेंडोंसा, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और हमने 360 बार ब्लड डोनेट किया है। ठीक है, अभी 360 जो ब्लड डोनेशन है बहुत बड़ा फिगर है। आपको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल है कि आप 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करते हो, ये होता है होल ब्लड। ठीक है, और जो प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है, वो हर आप 15 दिन में दे सकते हो। तो ये फिगर भी आप जो देख रहे हो, पर आप रेगुलरली करोगे ना, फ़ायदा होता है इसका। अभी ब्लड डोनेशन से लोग डरते हैं, लोग करते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेशन करने से ना हमारा सेहत अच्छा हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि दूसरों के लिए ब्लड डोनेट करो, पर ऐसा नहीं है, आप खुद के लिए ब्लड डोनेट करो। क्यों पता है? आपके ब्लड आपके बॉडी में ना एक किचन होता है, बोन मैरो में एक किचन होता है। तो वहाँ पे ब्लड बनता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है ना, अगर निकलता है बाहर तो उतने तेज़ी से बनना चालू होता है, और हमको जब ज़रूरत होता है तो ब्लड हमारे लिए हो जाता है। तो इसे ब्लड देना चाहिए। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ, कभी आदत हो गई ना, वेल आप अभी साइकिल चलाते जैसे आप गिर गए हो ना, एक बार गिरो, दो बार गिरो, तो आप छोड़ दोगे साइकिल चलाना? अभी चला सकते हो ना साइकिल आप, तो वैसे ही होता है, एक बार सुई जाएगी, दो बार जाएगी तो दर्द होता नहीं, तो इसमें अच्छा लगता है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि ब्लड दे दो भाई, अगर 360 बार नहीं दे सकते तो कोई भी दे सकता है। तो आपका नाम तो गिरीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, हमने उसका नाम अभी रजिस्टर किया है। तो हमने 2018 में एक ही महीने में 60 डोनेशन किए, तो मेरा नाम वहाँ रजिस्टर हुआ है। तो इसी तरह से मैं अपना फाइल मेंटेन करता हूँ, जहाँ पे मैंने अपने सारे रिकॉर्ड्स जो है ना ब्लड के तो बना रखे हैं सारे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सब नंबर्स लिखे हुए हैं सारे। तो ये अभी 352 है, ऐसे करके मेरे अभी तक रिकॉर्ड मेरा 360 तक बना हुआ है। ये 357 सारे रिकॉर्ड बने हुए मेरे है ना, तो दिखाने के लिए लोगों। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितनी भीड़ है, लोग बहुत अवेयर है ब्लड डोनेट करने के लिए। कुछ लोग बहुत डरते हैं, बट हमें डरना नहीं चाहिए। सर, आप समाज की सेवा भी करते हैं और आपने ब्लड डोनेट किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है ना, हर एक आदमी को हर 6 महीने में, जल्दी तो नहीं 3 महीने में, 2 महीने में नहीं, हर 6 महीने में एक बार जरूर ब्लड डोनेट करना। थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी मम्मा और परिधि दीदी फॉर्म भर रहे हैं। ये मम्मा, ये परिधि दीदी। अभी करंट वाली कितनी है? फीमेल हो गया ऑक्यूपेशन इधर और इधर। और यहाँ पे ये ब्लड टेस्ट, ये हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं। तो ये 1 नीडल प्रिक करेंगे, उसके बाद ये इस मशीन के अंदर स्लाइड डालेंगे, इसको सेहिल्स टेस्ट बोलते हैं। तो माँ लगी क्या? नहीं लगी, अभी स्लाइड के ऊपर ब्लड सैंपल ले लिया। आपका तो कम है मैम, कितना है? इनका हीमोग्लोबिन आया है 11.8 एंड शी इज नाउ नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, बिकॉज ब्लड डोनेशन वही दे सकते जिनका 12.5 ग्राम सबब है। दीदी का आ रही, देखते हैं दीदी ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं। आज तक वाले रिपोर्टर? हाँ जी, रिपोर्टर आना। चलिए देखते हैं क्या होता है। Thank you.
दर्द हुई। नहीं ले सकती। और भाई दीदी का पॉपेट हो चुका है, उनका हीमोग्लोबिन कम निकला और वो नहीं ब्लड डोनेट, वे फालतू में सुई भी चुभ गई, अब वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। आपको कैसा लग रहा है? मेरे से पूछो। हाँ जी, बहुत बेकार लग रहा है। इतना आए, सोचा था ब्लड डोनेट करेंगे, कुछ अच्छा काम होगा, तो यहाँ पता हीमोग्लोबिन का। हाँ मासी भी गई। नहीं कर सकती। आपको कैसा लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, महाराजा अग्रसेन संगठन ने आज लेबर डे के दिन ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट किया है, तो पूछते हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा महाराजा अग्रसेन संगठन के सभी सदस्यों ने मिलकर आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है मौजूदा दिवस के दिन, और भारी मात्रा में लोग आकर यहाँ पर पहले से में पीड़ित बच्चों की जान बचाने के खातिर यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। नमस्कार, जय श्री। देखिए, ब्लड कैंप हमने आज लगाया, लेबर डे भी है, बहुत अच्छा दिन है। और ब्लड देने से सबसे मेन बात तो है क्या है, जो व्यक्ति ब्लड देता है उसकी 90% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो इससे उसको बचाव रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश में जितने भी थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको जितनी ब्लड की ज़रूरत है शायद हम लोग समझ नहीं सकते, उनके लिए जो ब्लड दे रहा है वो भगवान है एक तरीके से। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग देना चाहिए, हु इज़ एबल टू डोनेट ब्लड तो उसे देना चाहिए। ये हमारा दूसरा रक्तदान शिविर है, और हम तो लोगों से ये अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लड डोनेट करें, बहुत अच्छी बात है। देखिए, और ये जल्दी जल्दी बीमारी हटे पूरे देश से, यही हम आने वाले लोगों से भी ये अपील करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया ने इतना अच्छा यूट्यूब चैनल बनाया है, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत आप भी आओ ना, इधर आओ। बहुत प्यारी बच्ची है। आओ, आधे आ जाओ। आप भी हैं? ये दीपा क्रेजी। आओ भाई, आओ। कैसे की प्यारी? अच्छा, उनके और ये शिक्षक की ये ब्लॉग खास कर बहुत अच्छे सबके ब्लॉग हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब में सब हम सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप सबको क्रेजी क्रेजी आने चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो नहीं करे जो नहीं करेगा ना वो जा दिख गया देख लेना। का चैन आ रही है, मेरी मासी की बेटी है, चलो इनसे अब कुछ कर लेते हैं। तो कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता? सो ब्लड डोनेशन 18 प्लस के बाद और 65 ईयर्स से पहले की एज के लोग कर सकते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा है वो कर सकते हैं डोनेट। आपका वजन 45 केजी अबव होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आप इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। आप 72 आवर्स में एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, पेन किलर्स में नहीं होने चाहिए। ड्रिंकिंग या स्मोकिंग 72 आवर्स में नहीं होनी चाहिए। तो वो सब लोग डोनेट कर सकते हैं। आई फील एवरी हेल्दी पर्सन कैन डोनेट। मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट ब्लड डोनेशन अपने 25th बर्थडे पे दिया था, और अब ये मेरा सेकंड ब्लड डोनेशन है। इट इज़ द बेस्ट फीलिंग। अच्छा, आप पैरों को यूं क्यों करते हैं? ऐसे यूं क्योंकि ना जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो अपर बॉडी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और लोअर बॉडी में पैरों से ब्लड फ्लो को ऊपर बढ़ाने के लिए
पैरों को ऐसे करा जाता है। ब्लड डोनेशन के फायदे क्या हैं? ब्लड डोनेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो आपको अंदर से यूक्रेन खाती कि आपने पॉस्ट किया है, जिससे लिवर डिजीज कम होती है, कैंसर का रिस्क कम होता है, आपकी बॉडी इन जनरल डिटॉक्स हो जाती है, बीपी शुगर की बीमारी से भी रिस्क आपका कम हो जाता है। ब्लड डोनेशन करना इन जनरल आपके लिए बहुत हेल्दी है। मतलब आने जो एफर्ट्स कर रही है वो दिख रहे हैं उसके। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप पे आए हम, यहाँ के एक नया एक्सपीरियंस मिला, और जब यहाँ पर सब लोगों ने से इतना सम्मान दिया इतना कि भाई इतनी छोटी होके इतनी छोटी उम्र में ये इतना अच्छा काम कर रही है, तो ये बड़ी जब अपने एज में पहुँचेगी तो कितना अच्छा वो कर सकती है। राइजिंग स्टार है ये, सब लोगों ने इसको ये प्रमोट करा कहा कि भाई ये बहुत अच्छा कर रही है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और आगे भी बस आपकी ब्लेसिंग्स काम आए इसके लिए, और इस ब्लॉग को आने अब यही एंड कर दी है। शेयर ब्लॉग अच्छा लगा इस ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन भी जरूर दबा देना, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।